हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अट्रैक्टिव इंग्लिश विद शैलेंद्र कुमार में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इससे पिछली 8 वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट व पास्ट के इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जाए और सिक्वेंस से वीडियो को देखें, जिससे आपके सारे टेंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आगे चलते हैं आज के हमारे टॉपिक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के तहत। कैसे बनाएंगे, किसी वाक्य को कैसे पहचानेंगे, तो आगे चलते हैं और देखते हैं पहचान को। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे इत्यादि शब्द आते हैं वो वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल, जैसे खाएगा, गाएगा, रहेगा, नहाएगा, पिएगा, रोएगा, हंसेगा, इस प्रकार से। जैसे वह घर जाएगा, वह खाना खाएगा, वह रोएगी, वह पानी पिएगी। तो मुख्य क्रिया के साथ गागी अगर जुड़ के आता है तो वह है वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं सहायक क्रिया की तरफ, हेल्पिंग वर्ब। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है सेल और बिल। वाक्य को बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, तो रूल देखते हैं। सबसे पहला रूल से आई व बी के साथ सेल तथा अन्य कर्ताओं के साथ बिल लगाते हैं। नकारात्मक वाक्य में सेल व बिल के बाद नॉट लगाते हैं। नकारात्मक वाक्य अगर आई व बी है तो सेल लगाएंगे, अन्य कर्ता है तो बिल लगाएंगे, उसके बाद के लगाएंगे नॉट। जिन वाक्यों में क्या शब्द पहले आए उस वाक्य को बनाते समय सबसे पहले सहायक क्रिया सेल व बिल का यूज करते हैं, फिर उसके बाद ही सब्जेक्ट लिखते हैं। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर उसके बाद सेल और विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। अगर वाक्य में के बीच में हाउ मैनी, हाउ मच, विच या हु से रिलेटेड कोई भी वाक्य आता है तो उनसे जुड़ी संज्ञाएं हम लोग साथ में ही लगाते हैं। यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट का काम करता है तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं और फिर उसके बाद सेल व विल लगाते हैं। मुख्य क्रिया की पहली अवस्था हर प्रत्येक वाक्य में यूज करते हैं और प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। आगे चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस साधारण वाक्य की तरह। इससे पहले की जो मैंने वीडियो पढ़ाई बताई है आपको, उनमें मैं पहले ही बता चुका हूँ जो साधारण वाक्य होते हैं उसमें नॉट शब्द का प्रयोग नहीं होता है और उसमें क्या शब्द का प्रयोग नहीं होता, मतलब कोई प्रश्नवाचक शब्द नहीं आता है। इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस सेल व बिल सहायक क्रिया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्रिया की पहली अवस्था, प्लस ऑब्जेक्ट कर्म प्लस अदर अन्य। तो इस प्रकार के फॉर्मूले से हम अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों को बना सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर पहला है मैं एक पत्र लिखूंगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मैं है तो आई लगा देंगे, और पहले रूल से मैंने बताया था कि आई और बी के साथ आपको सेल लगाना है, तो आई के साथ यहाँ पे सेल लगेगा तो आई सेल, राइट माने लिखना होता है, राइट ऑब्जेक्ट ए लेटर, तो आई सेल राइट अ लेटर। एग्जाम्पल दूसरा है हम कल स्कूल जाएंगे। सबसे पहले हम आएगा बी, उसके बाद सेल या बिल, तो आई व बी के साथ ही हमें सेल लगाना है, तो यहाँ पे बी आ गया तो बी के साथ सेल लगाएंगे। जाना गो माने जाना, द स्कूल स्कूल जाना है तो द स्कूल, और कल भी आने वाला कल क्योंकि फ्यूचर टेंस है तो आने वाला कल, तो क्या आएगा इसमें, या स्टरडे या टुमारो, इसमें आएगा टुमारो, तो बी सेल गो टू स्कूल टुमारो। एग्जाम्पल अगला है तुम एक किताब पढ़ोगे, सबसे पहले यू करता आएगा, उसके बाद सेल या बिल, तो आई और बी के साथ सेल लगाते हैं, अन्य कर्ता के साथ बिल लगाते हैं, तो यहाँ पे आई और बी नहीं है यू है, तो इसके साथ बिल लगाएंगे। रीड माने पढ़ना होता है, ए बुक, तो यू विल रीड अ बुक। तो आपने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनना था। ये बहुत ही सरल सेंटेंस है। वो आगे चलते हैं, देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनमें नकारात्मकता पैदा होती है, मतलब उसमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है। पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं।
फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस सेलविल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदा। सबसे पहले कर्ता, फिर शायद क्रिया, फिर नॉट फिर क्रिया की पहली अवस्था, फिर कर्म, फिर अंत। चलते हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाते हैं एग्जाम्पल को, तो देखते हैं सबसे पहला बात। सबसे पहला एग्जाम्पल है लड़के दिन में नहीं सोएंगे। सबसे पहले लड़के हैं, तो यहाँ पे आपको हर बार याद रखना है कि आई व बी के साथ आपको सेल लगाना है, और भी कोई भी कर्ता मिलते तो आपको बिल लगाना है। तो लड़के हैं तो द बॉयज, उसके बाद आई व बी नहीं है तो बिल लगाएंगे, द बॉयज बिल, इन नॉट स्लीप माने सोना, उसके बाद ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे मतलब दिन में, ठीक है। तो वाक्य कैसे बनेगा, द बॉयज विल नॉट स्लीप ड्यूरिंग द डे। एग्जाम्पल दूसरा है तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे। तो यू ना यहाँ पे आई है ना यहाँ पे बी है, तो इसमें क्या लगाएंगे, बिल। तो यू बिल विल नॉट रीड माने पढ़ना, वो पुस्तक है तो द बुक, यू विल नॉट रीड द बुक। एग्जाम्पल अगला है हम कल हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे। सबसे पहले हम है बी आ जाएगा, वाई और बी के साथ सेल लगाते थे, यहाँ पे बी आ गए तो बी सेल, उसके बाद नॉट प्ले माने खेलना, हॉकी का मैच दे ए हॉकी मैच, उसके बाद टुमारो क्योंकि यहाँ पे कल है फ्यूचर का टेंस है तो आने वाला कल, तो यहाँ पे क्या आएगा टुमारो, तो बी सेल नॉट प्ले या हॉकी मैच टुमारो। चलते हैं प्रश्नवाचक शब्द की तरफ, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक शब्द, ये बाक क्या शब्द से शुरू होते हैं और इनको सहायक क्रिया से बनाया जाता है। देखते हैं सबसे पहले इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला है सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। इस फॉर्मूला की मदद से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो क्या शब्द से शुरू होते हैं उन्हें बना सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है क्या वे आम खाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, आई वो बी के साथ हम लोग को सेल लगाना था, तो यहाँ पे ना आई है ना वी है, यहाँ पे दे है, सबसे पहले हम लोग को बिल लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट दे नॉट, अब नॉट ब्रैकेट में इसलिए लिखते हैं अगर नहीं शब्द का प्रयोग होता है तो नॉट लगाएंगे, अगर नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होता है तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ईट माने खाना, ऑब्जेक्ट आम द मैंगो, तो बिल दे ईट द मैंगो, उसके बाद लास्ट वाले रूल के अकॉर्डिंग प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। एग्जाम्पल दूसरा है क्या सीता गाना गाएगी। सीता है एक नेम है, आई ओ बी इसमें नहीं आ रहा है, सबसे पहले बिल लिखेंगे, तो इसका सब्जेक्ट सीता, नॉट का प्रयोग नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे, सिंग माने गाना, द सॉन्ग मतलब गाना गीत, ठीक है, तो बिल सीता सिंग द सॉन्ग। एग्जाम्पल तीसरा है देखते हैं क्या पिताजी आगरा जाएंगे। तो सबसे पहले पिताजी है तो विल आएगा, द फादर जाना गो माने जाना टू आगरा, विल फादर गो टू आगरा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आगे चलते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरह, इन प्रकार के वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होता है। तो देखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला है इसका क्वेश्चन वर्ड प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, उसके बाद सेल विल से लेकर लास्ट में क्वेश्चन मार्क तक जो रूल फॉर्मूला है वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का है। पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला। एग्जाम्पल देखते हैं, पहला हम कल कहाँ जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द है कहाँ, तो सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा वेयर, उसके बाद हम है आई ओ बी के साथ सेल लगाते हैं तो यहाँ पे आएगा सेल, फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हम तो वी आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्योंकि इसमें नॉट शब्द का प्रयोग नहीं, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो माने जाना, उसके बाद कल
टुमारो, वेयर शैल बी गो टुमारो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल दूसरा है, अमन घर कब आएगा, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द कब, वेन, डब्ल्यू एच ई एन, उसके बाद सेल या विल, तो हम लोग किस के साथ लगाएंगे, विल, वेन विल अमन, उसके बाद कम माने आना, टू होम, क्वेश्चन मार्क। आगे देखते हैं, वेन विल अमन कम टू होम। एग्जाम्पल तीसरा है, तुम इस काम को क्यों नहीं करोगे, सबसे पहले क्यों भाई, उसके बाद बिल, फिर यू, अब इसमें नहीं सबके प्रयोग है, तो नॉट, डू माने करना, यह काम या इस काम, तो दिस वर्क, भाई विल यू नॉट डू दिस वर्क, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, हाउ मैनी हुज से रिलेटेड, सबसे पहले एग्जाम्पल है, हम कौन सा गीत गाएंगे, तो सबसे पहले मैंने इसे बताया था, अगर कोई बात हाउ मैनी हाउ मच विच या हु से रिलेटेड मिलता है तो उसके साथ जुड़ी संज्ञा इस साथ में लेते हैं, तो बिच माने कौन सा और उसके साथ जुड़ा गीत, तो कौन सा गीत, तो पिच सॉन्ग, उसके बाद हम लोग लगाएंगे सहायक क्रिया, इसमें सहायक क्रिया आएगी कर्ता के अकॉर्डिंग, उसमें कर्ता है हम, तो आएगा सहायक क्रिया सेल, उसके बाद बी, फिर सिंग, दिस सॉन्ग सेल बी सिंग, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल दूसरा है, वह कितनी पुस्तकें खरीदेगा, कितनी पुस्तकें, तो हाउ मैनी बुक्स, उसके बाद आएगा हमारा सहायक क्रिया होगी बिल, उसके बाद ई वाई, क्वेश्चन मार्क, हाउ मैनी बुक्स बिल ई वाई, इसमें हाउ मैनी लगाया क्योंकि इसको काउंट कर सकते हैं, बुक्स जो होती हैं वो काउंट कर सकते हैं, तो हाउ मैनी लगाएंगे, और जिस चीज को काउंट नहीं कर सकते उसके साथ हाउ मच लगाते हैं। एग्जाम्पल अगला है, तुम्हारे पुत्र को कौन पीटेगा, अब इसमें कौन आ गया, पहले इसको क्या करेंगे, कर्ता मानेंगे, सबसे पहले आएगा हु, उसके सहायक क्रिया बिल, बीट माने पीटना तुम्हारे पुत्र को, तो योर सन, क्वेश्चन मार्क, हु विल बीट योर सन, क्वेश्चन मार्क, वह किसकी मेज तोड़ेगा, हुज किसकी मेज आ गया, तो टेबल, हुज टेबल बिल ही ब्रेक, क्वेश्चन मार्क, हुज टेबल बिल ही ब्रेक, क्वेश्चन मार्क। कुछ लोगों के डाउट होते हैं कि सेल या बिल में से किसका यूज करें, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में आजकल बिल का ही यूज किया जा रहा है, और ये भी आपको क्लियर कर दूं कि अगर कोई भी एग्जाम है या कोई कंपटीशन है तो उसमें इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, और जो बिल का यूज होता है इसमें ज़्यादा मॉडर्न इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक है, और हमारा उद्देश्य यही है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, तो इससे बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई एग्जाम देते हैं, कोई रिटर्न एग्जाम देते हैं, तो वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सेल का प्रयोग करना है, इसके बाद आप कहीं भी कोई भी अगर वाक्य बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट से रिलेटेड या किसी फ्यूचर से रिलेटेड, तो आप उसमें बिल का ही उपयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं बिल और सेल का यूज कहाँ कहाँ पे और होता है। सबसे पहले नॉर्मल सेंटेंसेस, साधारण वाक्य, मतलब सामान्य स्थिति जो नॉर्मल वॉइस होती है उसमें, जैसे मतलब मैंने अभी पूरा आपको टेंस पढ़ाया, तो नॉर्मल टेंस पढ़ाया आपको कि सबसे पहले कि आई जो बी होता है सेल लगाते हैं और अन्य कर्ताओं के साथ बिल लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं दूसरा है स्पेशल पोजीशन। स्पेशल पोजीशन में क्या होता है कि अगर आपको कोई प्रॉमिस थ्रेट या डिटरमिनेशन, मतलब कोई वादा कर रहा है या कोई थ्रेट मतलब धमकी दे रहा है, कोई डिटरमिनेशन जस्ट निश्चय कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, तो इसमें आपको सेल और बिल की पोजीशन चेंज कर देनी होती है। कैसे, उसमें जब अगर आपको कोई वादा इरादा प्रतिज्ञा आज्ञा या धमकी का भाव पैदा होता है, तो उसमें आपको आई और बी के साथ बिल लगाना है तथा अन्य कर्ताओं के साथ सेल लगाना है। नेक्स्ट है जोर देना, कोई भी अगर वाक्य है तो उसमें आप जोर दे रहे हैं वाक्य को बोलने में या बताने में, तो उसमें आई बी हो या कोई भी सब्जेक्ट सबके साथ आपको बिल लगाना है। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इन तीनों के अकॉर्डिंग। पहला एग्जाम्पल है, मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो आई सेल गो टू स्कूल, आई के साथ क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं, उसके बाद आई सेल फर्स्ट फॉर्म ऑफ गो टू स्कूल,
दूसरा एग्जाम्पल है वह कल स्कूल जाएगा, यहाँ पे ही विल गो टू स्कूल। नेक्स्ट है मैं तुमसे अवश्य मिलूंगा, अवश्य आ गया इसमें। इसमें क्या है, प्रॉमिस कर दिया उसने कि मैं तुमसे अवश्य मिलूंगा, तो यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा है तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आई व बी के साथ बिल लगाना है और द सब्जेक्ट के साथ सेल। सबसे पहले आई फिर आई क्रिया बिल, मीट माने मिलना और यू माने तुम, तो आई विल मीट यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह खाना अवश्य खाएगा, ही शैल ईट द फूड। आई व बी के साथ हम लोग क्या लगाना है, बिल, और अपने करता हूँ सब क्या लगाना है, सेल। तो ही सेल ईट द फूड। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं तुम्हें मारूंगा। सबसे पहले आई आई ओ बी के साथ बिल, फिर आएगा मारूंगा किल, उसके बाद यू। इसमें आई के साथ बिल इसलिए आया क्योंकि ये धमकी दे रहा है, और मैंने आपको बताया अगर प्रॉमिस कोई वादा है, थ्रेट कोई धमकी दे रहा है, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय या इरादा या प्रतिज्ञा है, तो आपको उसमें आई व बी के साथ सेल नहीं लगाना है बल्कि बिल लगाना है, और अन करता हूँ साथ आपको सेल लगाना है। तो इसमें आई लगा दी, आई के साथ आपको बिल लगाना है, फिर किल माने मारना, यू माने तुम्हें, तो आई विल किल यू। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है मैं उसकी सहायता अवश्य करूंगा। तो सबसे पहले आई, उसके बाद बिल, फिर आएगा हेल्प, फिर एम, क्योंकि तो उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि उसकी सहायता करेगा ही। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा इसमें, सबसे पहले क्या आएगा इसमें, आई, आई के साथ हम लोग क्या करना है, बिल लगाना है, उसके बाद हेल्प उसकी है तो हिम, तो आई विल हेल्प हिम। इस प्रकार से मैंने आपके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया कि हाउ टू यूज सेल विल, सेल और विल का यूज कैसे करते हैं। तो आप भी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ें, और इस कॉन्सेप्ट को अगर बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लें, अगर आप कोई भी दिक्कत होती है इस कॉन्सेप्ट में कि आपको यूज कहाँ पे किस चीज़ को करना है, तो आप उसे कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और अपना वहाँ पे डाउट क्लियर कर सकते हैं। आज का आपका जो टॉपिक था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, वो यहीं पे समाप्त होता है, और इससे पिछली 8 वीडियो जो प्रेजेंट और पास्ट टेंस की मैंने पढ़ाई है, इंडेफिनिट, कॉन्टेक्स्ट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट टेंस, अगर आपने नहीं देखी तो जाए और सिक्वेंस से उन्हें देख कर अपने टेंस को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, क्योंकि अगर आप जब तक टेंस नहीं सीखेंगे तो आप इंग्लिश ग्रामर के किसी भी वाक्य को नहीं बना पाएंगे। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल अट्रैक्टिव इंग्लिश विद शैलेंद्र कुमार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।